आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों की आवाज पतली है वो अपनी आवाज को मोटी कैसे करें। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरी ही आवाज पतली होगी तो वो आपको कैसी लगेगी और अगर जो नॉर्मल आवाज जैसी आप सुन रहे हैं वो कैसी लगेगी। मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो एडिट करने के साथ आप तक बताने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं कि आवाज का पतलापन और आवाज का भारीपन दोनों में कितना अंतर है, लोगों को भारी आवाज क्यों पसंद आती है। सुनिए, मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो एडिट करने के साथ आप तक बताने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं कि आवाज का पतलापन और आवाज का भारीपन दोनों में कितना अंतर है, लोगों को भारी आवाज क्यों पसंद आती है। मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो एडिट करने के साथ आप तक बताने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं कि आवाज का पतलापन और आवाज का भारीपन दोनों में कितना अंतर है, लोगों को भारी आवाज क्यों पसंद आती है। देखिए, ये समस्या सिर्फ उस उम्र में ही नहीं होती जब बच्चा बड़ा होने लगता है यानी कि 13-14 साल की उम्र, बल्कि समस्या बाद तक भी रहती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये समस्या आखिरकार होती क्यों है, क्योंकि इस समस्या को समझना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस समस्या का आप किस तरह से समाधान कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो वोकल सिस्टम जो होता है उसमें जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये आप ये समझ के चलिए कि ये दो तारों की तरह होती हैं। दो तार जो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ऊपर नीचे हैं, ये कुछ इस तरह से आप मान के चलिए। अगर हम इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में से हवा पास होती है, ठीक है। हवा जब पास होती है तो इनको हम कंट्रोल करके हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, आवाज को हवा को कंट्रोल करके हम कोई भी बात बोलते हैं। तो ये अगर पतले होते हैं, ये जो तंतु हैं दोनों, ये अगर पतले होते हैं तो आवाज में पतलापन रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है बढ़ती उम्र के साथ, वैसे वैसे इनमें थोड़ा सा मोटापन आने लगता है और इस वजह से आवाज़ भारी होती है। लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन का सही सिक्रेशन नहीं होता या फिर ये तंतु पतले रह जाते हैं तो इसकी वजह से होता यह है कि जो आवाज़ है वो पतली रह जाती है। एक और मैं आसान तरीका आपको बताऊं, आपने गिटार देखी होगी, इस गिटार में जो सबसे पतला वाला जो तार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यानी कि उसकी आवाज़ जो होती है वो तीखी होती है, पतली होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मोटे तारों की तरफ, उनको जब बजाते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी मोटी निकलती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। कुछ इसी तरह से हमारे वोकल कॉर्ड्स में होता है, अगर मोटे होंगे वो तंतु तो आवाज़ भारी होगी और पतले होंगे तो आवाज़ पतली होगी और उम्र के साथ इनमें बदलाव होता है। इसके अलावा फिर भी कुछ कोशिश ऐसी, कुछ थेरेपीज, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनसे आप अपनी आवाज़ को भारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज आप करें ताकि आपकी आवाज़ अगर लड़कियों जैसी है, बच्चों जैसी है, तो आप आवाज़ में थोड़ा सा बेस ला सकें, थोड़ा सा भारीपन ला सकें। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़े इस्तेमाल होते हैं, हमारे लंग्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को मजबूत करें, उनकी कैपेसिटी हवा भरने की बढ़ाएं, उनके जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करें। अभी जो कोरोना का काल गुजरा है उसमें आपने देखा होगा कि एक प्रैक्टिस उन लोगों को करवाई गई थी जिनके लंग्स कोरोना की वजह से कमज़ोर हो गए थे, उनको बलून यानी कि गुब्बारे फुलाने के लिए कहा गया था। यही प्रैक्टिस आपको करनी है, इससे होगा ये कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, उसमें ज़्यादा हवा भरेगी। ज़्यादा हवा भरेगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, ज़्यादा लंबे सेंटेंस बोल पाएंगे। आपकी आवाज़ में बेस के लिए जो आपको हवा की ज़रूरत है पेट में, वो उस कैपेसिटी में आपके पास रह पाएगी। तो आप कोशिश करें सुबह शाम 10 से 15 गुब्बारे फुलाएं, उससे आपकी लंग्स कैपेसिटी मजबूत होगी और फिर आपके ये आवाज़ को भारी करने के लिए सहायक होगी। दूसरी प्रैक्टिस ये करें कि आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लें, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हारमोनियम हो सकता है, गिटार हो सकती है। हारमोनियम सबसे मुफीद इसलिए है क्योंकि उसमें वो आसान रहता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसमें आप सबसे निचले वाले सुर से शुरू कीजिए, लेकिन इसमें आपको जो सारे गामा पाधा नी सा है उसी पिच पर, उसी लेवल पर आपको आ का उच्चारण करना है। जैसे आपने सा वाला सुर पकड़ा, उसके साथ आप बोलिए इसको थोड़ा लंबा खींचिए, फिर उसके बाद रे पर आइए, फिर ग पर, इस तरह से लास्ट तक जाने, लास्ट के साथ तक जाना है आपको उसमें। तो आपकी जो वोकल कॉर्ड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, और जब आप बिल्कुल निचले सुर पर जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं, इसको और नीचे लेकर जाइए,
तो इससे आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसकी एक्सरसाइज होगी और आपकी आवाज़ का जो बेस बढ़ने में वो काफ़ी मददगार होगा। इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पर आप जाएं, आपको एक तानपुरा ऐप मिलेगा। उस तानपुरा ऐप से क्या होगा कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं उस हारमोनियम से, उसके लिए आपको एक तानपुरे का जो ऐप है उससे आपको सुर मिल जाएगा। उस सुर से फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हारमोनियम हर किसी के वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं होता, तो इसके लिए आप जो तानपुरा वाला जो ऐप है उस ऐप की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक प्रैक्टिस मैंने पहले भी बताई थी, वो भी आपके लिए मददगार हो सकती है। जिस तरह से भंवरा उड़ता है उसका एक साउंड होता है, इस साउंड को आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसको आप अपने बिल्कुल बेस में ले जाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लंबी प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। मैं आपको जीभ और दांतों की पोजिशन आपको बता देता हूँ। देखिए, दांतों को आपको नज़दीक रखना है और दोनों दांतों का जहाँ जोड़ आ रहा है वहाँ पर जीभ का अगला हिस्सा रखना है और उच्चारण करना है। ठीक है, हवा हल्की सी पास होगी और वाइब्रेशन फील होगा आपको। ये आपको निचले सुर में भी करना और ऊपर वाले सुर में भी करना है, मतलब और फिर उसके बाद ऊपर वाले। ये वाइब्रेशन जो हैं वो आपकी आवाज को भारी करने में काफी मददगार साबित होंगे। ये कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनसे आप अपनी आवाज में जो पतलापन है उसको मिटाने के लिए, उसमें थोड़ा सा भारीपन लाने के लिए आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सुबह शाम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आप कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, दर्द होने लगे गले में, जीभ में, तो आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा रुक कर करें। बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिस करें कि आपको जो महसूस हो इस बात को कि आपकी आवाज़ में बेस आ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकें और उससे चेक भी कर सकें। कैसे? फिल्में आप सब लोग देखते हैं, किसी फिल्म का एक डायलॉग ले लीजिए और उस डायलॉग को आप अलग अलग आवाज़ों में बोलने की कोशिश कीजिए, मतलब उसमें आप स्केल बदलने की कोशिश कीजिए भारी आवाज़ में भी। मान लीजिए आपने सलमान खान का कोई डायलॉग लिया, ठीक है, कोई फिल्म है, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाला जो डायलॉग है मान लीजिए उसको हम लेते हैं। तो इसको मान लीजिए अमरीश पुरी अगर बोले तो कैसे बोलेगा? मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। सलमान खान का जो पिच होगा वो नॉर्मल पिच होगा, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, थोड़ा हाई पिच लेकर जाइए, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आप घर पर कर सकते हैं। फिल्म सब देखते हैं, किसी भी डायलॉग को उठाएं और उसको बिल्कुल जिसकी सबसे भारी आवाज़ हो उस आवाज़ में बोलने की कोशिश करें, जिसकी आवाज़ थोड़ी सी हाई पिच की है, जो थोड़ी पतली आवाज़ है उसमें बोलने की कोशिश करें, अलग अलग कलाकारों की आवाज़ में। मैं मिमिक्री की नहीं कह रहा, लेकिन उनका बेस, उनका टोन पकड़ने की कोशिश की बात कर रहा हूँ। और फिर आप उसको रिकॉर्ड करें और सुने, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक अपने आवाज़ के बेस को नीचे ले जा सकते हैं और किस लेवल तक ऊपर ले जा सकते हैं। आपको वो रेंज बढ़ानी है। रेंज बढ़ाने से ये होगा कि आपकी जो गले की वजह से जो तंतु मैंने जो आपको शुरुआत में बताए थे उनमें अगर कोई पतलापन है तो वो हम कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, इसको हम पतलेपन को मोटापन तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको गिटार का शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था। गिटार में अगर मान लीजिए मोटा वाला तार है, उस मोटे वाले तार में अगर हम थोड़ा सा नीचे आकर तार को दबाते हैं और फिर उसको बजाते हैं तो अलग आवाज़ निकलती है, और उसी को जब हम ऊपर कर लेते हैं तो अलग आवाज़ निकलती है। हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी मोटाई को कम ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जो उसकी लेंथ को हम किस तरह से हमारे मांसपेशियों से कंट्रोल करके और आवाज़ में बेस ला सकते हैं, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, और इसके अलावा आप और किन किन विषयों पर चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद जो आगे उसके बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप ज्वाइन बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो मैं उन मेंबर्स के लिए कुछ खास वीडियो बनाता हूं, वो सिर्फ वो मेंबर ही जिन्होंने ज्वाइन बटन क्लिक किया है उनके लिए होंगे। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी आप प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सबके हैंडल इस वक्त दिए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।